बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीजनल फूड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही लंबी छुट्टियों के बाद हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई हूँ, बहुत लंबी छुट्टियों पर चली गई थी मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मीठी रेसिपी से आप लोगों को भी खुश कर दूँ और ख़ुद भी इंजॉय करूँ इसको। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्लोर मिल्क मिठाई रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम चीज़ों में तैयार होने वाली है और बहुत अच्छी भी लगती है, मज़े की। आप देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले लिया है दही, देख सकते हैं आप फ्रेंड, ये है हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ये मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिए हैं देसी घी के, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया हुआ है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार बनती है ये और बिल्कुल ही कम चीज़ों में बनने वाली, कोई आपको बाहर से लाने की इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, जो घर में चीज़ें मौजूद हैं बिल्कुल उन्हीं से ये तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये देखें, ये जो हमारा बैटर है ये थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी सा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा। तो अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देख लेंगे, देखिए बिल्कुल फ्लफी फ्लफी सा ही इसका हो गया है मिक्सचर, बिल्कुल आपने भी इसी तरह से इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या शामिल करेंगे इसमें, अब हम लोग शामिल कर लेंगे इसमें आटा, ये देख लीजिए, जो आटा हम लोग घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने एक भर के प्याली ले ली है, आप मेजरमेंट के हिसाब से कप या किसी भी चीज़ से आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी। और मैंने यहाँ पर इसी के हिसाब से मैदा भी ले लिया है 1 कप, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने ये ड्राई मिल्क है, ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नेस्ले का यूज़ कर रही हूँ, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 पिंच के करीब इलायची पाउडर शामिल करूंगी इसमें। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले लिया है ये केवड़ा एसेंस है, इसके मैं तकरीबन 2 से 3 कतरे जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा सा हमने इसको भून लेना है, प्यारी सी डो तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी ताकि हमारी अच्छे से डो तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटे को बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लिया है, तो इसको मैंने आम अपना जो हम लोग रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उस आटे से मैंने बहुत ही इसको थोड़ा सा टाइट रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा ये आटा अच्छे से सेट हो जाए, तो इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग अब कर लेते हैं इसकी चाशनी की तैयारी, यानी कि शुगर सिरप बना लेते हैं जिसमें हम लोगों ने ये मिठाई डिप करनी है। यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन मैंने रख दिया है फ्लेम पर, तो हमने क्या करना है इसमें, अब मैंने इसमें डालनी है तकरीबन 1 कप के करीब चीनी, शुगर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी 1 गिलास के करीब, अब हम इन्हें तब तक पका लेंगे जब तक ये चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिल्कुल चुटकी से भी कम थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग अगर ना भी डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसको
शीरा हमारा बन जाएगा अच्छे से, उसका कलर नहीं होगा, फिर बहुत ही अच्छा सा हमारी जो मिठाई होगी उसका कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। अब हमारी जब तक चीनी मेल्ट हो जाती है तब तक हम इसको पका लेते हैं अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी में यहाँ पर बॉयल आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बिल्कुल भी चाशनी बिल्कुल ऐसी तैयार करनी है कि हमें इसमें एक दो तार भी नहीं चाहिए, जैसे हम लोग शीरा बनाते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी पतला ही पतली चाहिए ये चाशनी। तो ये देखिए हमारा इसमें बॉयल आ गया है अच्छे से। तो अभी ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपके फिंगर पे ऑयल हो, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, ठीक है, हमें इसी कंसिस्टेंसी की ये चाहिए। तो ये हमारी बन गई है, अच्छी तरह से तैयार हो गई है फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं अपने आटे को कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया। तो फिर हम लोग आते हैं कढ़ाई पे, ऑयल डालते हैं, ऑयल को गर्म करके फिर फ्राई करने की तरफ आते हैं। जी फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चाशनी हो गई है बनकर बिल्कुल रेडी। तो अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर शामिल कर लेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसको मिक्स करके, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक हो गया फ्रेंड। अब हम चलते हैं अपनी आटे को देख लेते हैं कि कैसा सेट हुआ है। ये देखिए आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम लोग इसको एक पेड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, यहाँ पर इसको हम साइड पर कर देंगे। यहाँ पर ही रखकर मैं इसे किचन काउंटर पे ही बेल लूँगी। जी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से बेल लिया है। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये मैंने बहुत पतली नहीं बेली है। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि हम लोग इसके किनारे यहाँ से कट कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे आप कर लें, वो भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर चाकू है, मैं चाकू की मदद से कर रही हूँ। तो हम लोगों ने ये जो इसके किनारे हैं हमने वेस्ट नहीं करने, हम इसके दोबारा से बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर सेंटर से भी कट कर लेंगे इसको, और हम इसकी यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी मोटाई, ये देखिए बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये बन जाती हैं। तो हम लोग सारी इसी तरह तैयार कर लेंगे। और हम लोग ऑयल रख दिया है मैंने कढ़ाई में गरम करने के लिए, गरम हो गया है तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। हो गया है अच्छे से गरम, तो अब हम इसमें वन बाय वन करके स्ट्रिप डालते हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना बिल्कुल भी इसको, वरना ये फ़ौरन से हो जाएंगे जल्दी से गोल्डन और अंदर से जो है वो बिल्कुल अच्छे से पकेंगे नहीं। इसी तरह से मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी सारी, अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर मैं इसको निकाल लूंगी। तो जो हमारी हो गई है गोल्डन हम इन्हें पलट लेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे बहुत ही सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आपने शुरू से जब आपने स्टार्ट करना है इसको फ्राई करना, तो आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको एंड तक, जब तक कि बिल्कुल इस तरह से कलर ना ले लें। और अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाएंगे इसको। देख लें बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो गए हैं हमारे। तो फ्रेंड्स हम अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, और निकालते ही हम लोग इसको हम लोगों ने इसमें चाशनी में शामिल कर देंगे इसको। इसी तरह से हम लोग बाकी की भी अच्छी तरीके से उनका ऑयल निकाल कर हम इसको चाशनी में शामिल कर लेंगे। ये फ्रेंड्स शामिल कर लिया है इसको, तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लेंगे इसमें,
ताकि चाशनी जो है वो दोनों साइडों पे लग जाए अच्छे से। हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको इसी में ही रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले ये अपने अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी फ्लोर मिल्क मिठाई बनकर है बिल्कुल तैयार। तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया था, यहाँ पर मैंने इसको नारियल पाउडर और थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश किया है, और आप चाहें तो किसी भी नट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ही ये तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों में जो आपके किचन में मौजूद होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वन टाइम, और अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक तो दे दिया करें प्लीज़ अच्छा सा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फ्रेंड, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे और हमें भी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।